अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तमानिया, ये है जैनब और जैनब के साथ है उनका पैंडा और ये है हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे कि बच्चों को हम करबला, हाँ करबला और मुहर्रम के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो जैनब, हम कुछ वर्कशीट्स कर रहे थे, आपने उनके बारे में जैनब आपको बताएंगी, हमने एक मूवी देखी, हम आपको उसके बारे में बताएंगे, जैनब मेरे साथ मजलिस पे हर रोज़ जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे और हम ये सारी चीज़ों के जो लिंक्स हैं हम अपनी वीडियो नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा ज़ैनब, आपने सबको सबसे पहले अपनी कुछ वर्कशीट्स के बारे में बताना जो आप घर पे कर रही थी, बताइए। सो ये जो एक वर्कशीट है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मुहर्रम, हाँ ये उल्टी आई है। अच्छा ज़ैनब आप दिखाइए, आप इसमें मेज भी थी जो ज़ैनब ने की थी, है ना। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, कैमरे को ज़ैनब की तरफ करती हूँ, ठीक है। इमाम हुसैन इज द सेकंड सन ऑफ इमाम अली एंड बीबी फातिमा। Imam Hussain's had a horse called Zuljinar. Imam Hussain was, what is that? Martyred in Karbala. Imam Hussain had a baby, was martyred in Karbala. He was called Ali Asghar. Imam Hassan and Imam Hussain are called the Youths of Paradise. अच्छा, अब वाइल ज़ैनब जो अपनी वर्कबुक कर रही है, मैं आपको एक और बताती हूँ, हमने एक और मूवी देखी, वो एक एनिमेटेड मूवी है जिसका नाम ज़ैनब क्या था, डिफेंडर ऑफ फ्रीडम, है ना। ज़ैनब आपको वो कैसी लगी मूवी, एनिमेटेड मूवी आपको कैसी लगी? I like it. ज़ैनब को अच्छी लगी, ज़ैनब और हुसैन दोनों को बहुत अच्छी लगी। वो एनिमेटेड मूवी है, अराउंड 56 मिनट्स की है, मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगी। और हमने उसको विमियो के ऊपर रेंट किया था और वो बच्चों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, उसके अंदर फेसेस दिखाते हैं, आई वाजंट श्योर हाउ आई वुड फील अबाउट इट, मगर वो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से हुआ है। सो आई थिंक अगर आप बच्चों को बताना चाहते हैं, जो मुझे उस मूवी की बात बहुत अच्छी लगी कि उसमें शुरू से लेकर के वाकया करबला की हिस्ट्री क्या है वो लेकर, और फिर वाकया करबला में क्या हुआ और उसके बाद उसके और पहली मजलिस कहाँ हुई वो सारा बताया गया, तो जो उसका एक बिफोर और आफ्टर का हिस्ट्री का एस्पेक्ट है वो उस मूवी का बहुत अच्छा है। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप वो मूवी देखें। अच्छा इसके अलावा ज़ैनब मेरे साथ एक मजलिस में भी जाती है, हम बहुत लकी हैं कि शाम को एक मजलिस होती है। ज़ैनब आपको मजलिस में जाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और जब मैं छोटी थी तो ज़ैनब मुझे पता है मजलिस का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता था? जब हम नूहे पढ़ते थे और मातम करते थे और तबर्रुक जब मिलता था, तो ज़ैनब आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है? तबर्रुक मिलता है। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों में जो मुहर्रम का जो जो पूरा एक क्या कह सकते हैं जो स्पिरिट है वो आप अपने बच्चों में डालने के लिए कई डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप ये डाल सकते हैं। और जो करबला का मैसेज है किसी एक सेक्ट के ऊपर से के पर्टेन नहीं करता, ये सब के लिए है, ये तमाम ह्यूमैनिटी के लिए है। तो आप अपने बच्चों को उनकी एज के मुताबिक तरीकों से आप करबला के बारे में उनको सिखा सकते हैं। और मेरा ये पर्पस इस वीडियो को करने का यही था कि किन डिफरेंट तरीकों से आप अपने बच्चों को करबला के बारे में सिखा सकते हैं। आजकल हम लोग बहुत लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत माँ बाप ये चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सो जो मैंने कुछ वर्कशीट का जिक्र किया आप वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, उससे आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कई वीडियोज़ बहुत अच्छी हैं, एक एनिमेटेड मूवी है इसका मैंने जिक्र किया, इसी तरह एक टीयर्स ऑफ करबला है ना, मुझे टेल्स ऑफ टीयर्स है ना, हाँ वो बहुत अच्छी सीरीज है, उसके अंदर छोटी छोटी वीडियोस हैं जिसमें हर एक फर्द के बारे में करबला के, जैसे उसमें हजरत अली असगर के बारे में है। और ज़ैनब आपको याद है ना टीयर्स ऑफ करबला है ना, वो भी बहुत अच्छी है। ज़ैनब इस वक्त बहुत बिजी है अपनी जो वर्कशीट करने के अंदर, और इसीलिए इससे आपको पता चलेगा ये कितनी इंटरेक्टिव है बच्चों के लिए। और उसमें डिफरेंट उसके अंदर हज़रत अली अकबर का जिक्र है, उसमें बीबी सोहरा का जिक्र है, उसमें हज़रत ज़ैनब का जिक्र है, तो हर डिफरेंट कैरेक्टर लाइक जो पर्सनैलिटीज़ हैं करबला की, हज़रत ज़ैनब, ज़ैनब का नाम भी बीबी ज़ैनब के नाम पर रखा गया। तो टीयर्स ऑफ करबला भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो उसको भी मैं नीचे लिंक कर दूँगी। इस जो जिस मूवी का मैंने जिक्र किया डिफेंडर ऑफ फ्रीडम हुसैन, उसके साथ कुछ वर्कशीट्स भी हैं जो उस मूवी से रिलेटेड हैं, तो उसका भी लिंक है, तो वो भी आप जब आप एक मूवी देखें तो फिर आप अपने बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। तो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों तक ये मैसेज पहुँचाएँ उनकी ज़बान के अंदर, उनके तरीके से उनको ये लेसन पहुँचाएँ। और हर जनरेशन का तरीका डिफरेंट होता है, हमने डिफरेंट तरीके से सीखा, अब हम अपने बच्चों को डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे। आई होप ये आप सबको हेल्प करेगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन तो हमें जरूर बताइएगा। ज़ैनब आप बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी?
Do all the worksheets. है ना, सारी worksheets करें. चलें. Okay, हमें बताइएगा कोई आपका question हो. And do subscribe to our channel. खुदा हाफिज़.